अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इजी एंड सिंपल सी रेसिपी वाइट चिकन टिक्का। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक चम्मच दखनी मिर्च, दो बड़ी इलायची, चार छोटे इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, इसको मैंने तोड़ लिया है इस तरह से। 9-10 लिए हैं मैंने यहाँ पर लौंग, एक चम्मच लिए हैं मैंने काली मिर्चें, और लिए हैं मैंने यहाँ पर तेज़पात। तेज़पात को हम हटा लेंगे, और ये सारे गरम मसाले हमें पीसने हैं। स्पाइसेस को हम ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पाउडर बनाएंगे इस तरह से। यहाँ लिया है मैंने 1 किलो चिकन, 1 नींबू का रस मैंने कटोरी में निकाल के रख लिया था, इसे भी ऐड कर देंगे हम। अब ऐड करना है स्पाइसेस पाउडर। यहाँ लिया है मैंने 180 ग्राम दही का पैकेट, इसमें से हम 150 ग्राम दही लेंगे। थोड़ी सी दही इसमें से हम बचा के रख लेंगे। अब जाएगा इसमें 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन तो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, आप चाहे तो इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं प्याज की। 4 प्याज ली है मैंने यहाँ पर, चारों प्याज़ों को हम मोटा मोटा काट लेंगे इस तरह से। एक बर्तन में हमने पानी गर्म करके रख लिया था, अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, चलिए इसे अब छलनी में छान लेते हैं। इसे हम ठंडा करेंगे, फिर मिक्सर जार में डाल के इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। प्याज का पेस्ट तो तैयार हो चुका है, देखिए दोस्तों। यहाँ लिए है मैंने 1 मुट्ठी काजू, इसे मैं ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी इस तरह से, और इसे मैं निकाल के रख लूँगी। 8 ली है मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्चें, इसे हम बीच में से कट लगा के रख लेंगे इस तरह से। यहाँ ली है मैंने घर के दूध की क्रीम, आप अमूल क्रीम भी ले सकते हैं, और ली है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी ऐड करेंगे हम। एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल लिया है मैंने रिफाइंड का, आप किसी भी तेल में इसे बना सकते हैं। चलिए इसे हम अब हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज का पेस्ट, साथ ही इसमें थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसी के साथ अब इसमें डाल देंगे हम तेज़पत्ता, और मीडियम फ्लेम पर मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जितना मसाला धीमी आँच में फ्राई होगा उतना ही इसका टेस्ट बढ़ेगा। प्याज का पेस्ट फ्राई हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे, और बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे। कम से कम इसे 15 से 20 मिनट हमें कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। इसकी लीड लगाएंगे। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह से इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, वापस इसकी लीड लगा के रख देंगे। चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम चिकन को। हम ग्रेवी को बस इतनी ही थिक रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम काजू का पेस्ट। काजू के पेस्ट में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, इसे हम ऐसे ही हाथों से साफ करेंगे। इसी के साथ ऐड कर देंगे हम कट की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसकी हम लीड लगा देंगे। लीड लगाने के बाद बस हमें 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है, जब तक कि इसमें तरी ना आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसकी लीड हम ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं चिकन को। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है हमारा वाइट चिकन। अभी इसमें ऐड करनी है हमें क्रीम। क्रीम ऐड करी है मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच, और मिक्स कर लेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद बस 5 मिनट कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब इसमें ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इसकी हम लीड लगाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्रीम को बचा लिया था चिकन में ऊपर से डालने के लिए। बनकर तैयार हो चुका है हमारा वाइट चिकन टिक्का। बहुत इजी है इसे बनाना। आपको मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए गैस को बंद कर लेते हैं। 2 मिनट इसे हम ऐसे छोड़ देंगे। चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। थोड़ी सी इसमें हम तरी भी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम चटनी भी ऐड करेंगे। अब आप इसे रोटी या नान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का चिकन लगता है ये। आप मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।